Chala chala purto nidehi charnam, sadev purto nidehi charnam. ये है श्रीधर भास्कर वर्णेकर के द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रेरणा राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। सभी लिखेंगे इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है। चले चले पुरोति पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। चले चले चलो चलो पुरतो आगे, निदेही रखो चरणम चरण। चलो चलो आगे चरण रखो, सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव आगे ही चलते रहो। आगे है गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर निज निकेतनम अपना निवास, पर्वत की चोटी पर अपना निवास करो। गिरी शिखरे ननु निज पर्वतनम, पर्वत की चोटी पर मेरा निवास है। विनेव यान नागारोहणम, बिना साधन के मैं पर्वत पर नागारोहणम चढ़ जाता हूँ। बलम स्वर्गीयम भवति साधनम, क्या है अपना ही बल साधन है। आगे सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव आगे ही बढ़ते रहो। आगे है पथि पाषाणम पाषाणा विस्माकृतरा। रास्ते में आने वाले कठिनाइयों से डरते हुए हिंसा पश्र परितो घोरा। कठिनाई से बढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। चारों ओर हिंसक भयानक पशु भी होंगे। सुदुष्कर खरु यद्यपि गगनम, और यद्यपि गगन अत्यंत कठिनतापूर्वक सफल होने वाला है। पथि पाषाण विस्मा प्रकरा, रास्ते में बहुत से पाषाण नुकीले पत्र भी पड़े हैं, पड़े होंगे। हिंसा पशु परितो घोरा, चारों तरफ से हिंसक पशुओं का घेरा होगा। दुष्करम खरु यद्यपि गगनम, और आकाश के चारों तरफ से दुष्कर मतलब कि कठिनता पूर्वक होगा। सदैव पुरतो निदेही चरणम, हमेशा आगे बढ़ते ही रहो। जिहि बीतिम भज भज सकतिम, विदेही राष्ट्रे तथा नृत्तिम। गुरु गुरु सत्यम धैर्य शरणम, सदैव पुरतो विदेही निदेही चरणम। भय को छोड़ दो, शक्ति को भजो, अपने देश के स्नेह से अपने लक्ष्य को निरंतर स्मरण रखो और हमेशा आगे बढ़ो। जी अपनी शक्ति को भजते चलो, अपने भय को छोड़ दो, विदेही राष्ट्र तथा अपने राष्ट्र के लिए हमेशा आगे बढ़ते चलो और भगवान का ध्यान धरते रहो। आगे कहता है इसमें कवि ने कहा है कि कभी भी किसी से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। इसमें बताया हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर्वत भी होंगे, रूखी चट्टाने भी होंगी, आसमान भी गिरा होगा, भयानक पशु पक्षी भी होंगे, फिर भी वह हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही कहता है। आगे है कठिन शब्द है ये, आपको शब्दार्थ है ये, आप सबको अपनी कॉपी में लिखने हैं। उसके आगे हमारे प्रश्न लिखे हैं, प्रश्न करेंगे। अपना साधन क्या है?
रचयिता कौन है? लिखेंगे लिखेंगे सभी इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें और 7 मिनट
को याद भी करें। हमने चार चक्र करवा दिए हैं, सभी को ये अपनी कॉपी में पूरे करने हैं। सभी लिखेंगे, ये आज का हमारा होमवर्क है। आप सब इसको अपनी कॉपी में लिखते रहना और साथ में याद भी करना।